हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप जानते हो कि हम निषेचन पश्च घटनाएं पढ़ रहे हैं और निषेचन पश्च घटनाओं में हमने कल भ्रूणपोष के बारे में स्टडी कर लिया है। किसके बारे में स्टडी कर लिया है? हमने भ्रूणपोष के बारे में स्टडी कर लिया है स्टूडेंट्स। भ्रूणपोष के बारे में हमने क्या पढ़ा था कल, आपने पता होगा। हम जब भ्रूणपोष पढ़ रहे थे तो जो ये भ्रूणकोष है, इसके यहां जो तीन कोशिकाएं वो तो एज इट इज रहती है। इसके अलावा बीच में जो द्विगुणित केंद्रक था उससे एक नरयुग्मक आकर के संलयित हो जाता है और यहां एक केंद्रक बनता है जिसको कहा जाता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ध्यान देना, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और यह क्या करता है, लगातार समसूत्री विभाजन करता है और डेवलपमेंट करता है जिसके कारण यहां पर बहुत सारे इस प्रकार के केंद्रक बन जाते हैं और उनका अलग अलग अरेंजमेंट देखने को हमको मिलता है। और इससे जो संरचना बनती है इसे क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। एंडोस्पर्म के नाम से आप जानते हैं, यह होता है भ्रूणपोष जो क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है ना। थोड़ा सा ये बता दिया मैंने कि थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी याद रखना। एंडोस्पर्म तो कभी आ जाए एंडोस्पर्म के नाम से तो आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा कि क्या है ना। भ्रूण पोष तो फिर भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार भ्रूण को पोषण देने वाला पदार्थ। एंडोस्पर्म पूछ लिया मान लीजिए, ऐसा एंडोस्पर्म किसे कहते हैं या इसका निर्माण कैसे होता है, ऐसा करके पूछ लिया गया तो आपको थोड़ा चक्कर पड़ सकता है। तो थोड़ा भ्रूण पोष को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी ध्यान रखिए, इसको एंडोस्पर्म कहते हैं। तो आशा करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये तो आपने क्या पढ़ लिया था, भ्रूण पोष पढ़ लिया था जो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के लगातार समसूत्री विभाजन से बनता है। स्टूडेंट्स अगर थोड़ी सी आगे चले, थोड़ा सा आगे चले तो यहां नीचे क्या था, यहां नीचे था नरयुग्मक सॉरी अंड कोशिका, और अंड कोशिका के पास क्या आ गया था, नरयुग्मक। तो इन दोनों का भी निषेचन हो जाता है और इन दोनों के निषेचन से क्या बनता है, इन दोनों के निषेचन से बनता है युग्मनज। तो अब ये युग्मनज भी क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये युग्मनज भी लगातार समसूत्री विभाजन करेगा, लगातार समसूत्री विभाजन करेगा और इस समसूत्री विभाजन से यहां क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहां भ्रूण बन जाएगा। कहां, इस जगह पर भ्रूण बन जाएगा। तो इसको अपन यहां पर समझते हैं, है ना। सारी घटना भ्रूणकोष के अंदर ही हो रही है समझ लीजिए, लेकिन अब भ्रूणकोष बना करके उसके अंदर बनाना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस युग्मनज को हम बाहर, यहां बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये युग्मनज बन गया मान लीजिए ना, अंड कोशिका के अंदर संलयन हो गया नरयुग्मक का और ये क्या बन गया, ये बन गया युग्मनज। तो एक्चुअल में युग्मनज कहां है, तो ये भ्रूणकोष के अंदर, यानी जो भी घटना हो रही है वो भ्रूणकोष के भीतर हो रही है। भ्रूण कोष में भी किस ओर हो रही है स्टूडेंट्स, तो बीजांड द्वार की ओर हो रही है, क्योंकि अंड कोशिका किधर थी, बीजांड द्वार की ओर। आगे क्या बात समझ में आपको, तो इस युग्मनज को अपन यहां से, अपन इस युग्मनज को यहां से बाहर निकाल करके इस युग्मनज से भ्रूण कैसे बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये तो हमारा एक कंसेप्ट हो गया, कॉमन कंसेप्ट हो गया, इसको तो इरेज करते हैं अपन। और अब आज अपन पढ़ते हैं भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए कहां से हम शुरू करते हैं, भ्रूण परिवर्धन या भ्रूणोद्भव इसको कहा जाएगा। परिभाषा क्या होगी, तो अभी अभी बताया कि जो युग्मनज बना है वो लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप विकास करेगा और भ्रूण का निर्माण करेगा, इसे ही क्या कहा जाएगा, भ्रूणोद्भव कहा जाएगा। देखिए भ्रूण कोष में नरयुग्मक तथा अंड कोशिका के संयोजन से युग्मनज बनता है। युग्मनज में, युग्मनज एक द्विगुणित रचना होती है क्योंकि उसमें दो नरयुग्मक आ गए, सॉरी दो केंद्रक आ गए हैं, जिसमें निरंतर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का परिवर्धन होता है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव कहलाती है। तो परिभाषा में तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि युग्मनज में ही लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया ही भ्रूण का परिवर्धन या भ्रूणोद्भव कहलाती है। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो आवृत बीजी पादप है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक होता है द्विबीजपत्री पादप और एक होता है एकबीजपत्री पादप। तो इन दोनों में भ्रूण का परिवर्तन कैसे होता है, एक एक करके हम उस बात को समझेंगे।
और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे द्विबीजपत्री में भ्रूण कैसे बनता है, इस बात को। देखो डायग्राम के द्वारा हम इन बातों को समझते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए एक बात देखिए, मैंने अभी अभी समझाया कि जो भ्रूण कोष था उसके यहाँ पर बीजांड द्वार की तरफ युग्मनज बना था और उस युग्मनज से भ्रूण बनेगा। तो हम पूरा भ्रूण कोष नहीं बनाते हम, क्योंकि हम सिर्फ भ्रूण के परिवर्तन की घटना को स्टडी कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पूरा भ्रूण कोष ना बना करके हम केवल क्या बना लेते हैं, हम केवल युग्मनज बना लेते हैं। और युग्मनज थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि बातें हमारे स्पष्ट हो जाए, हम बातों को समझने लगे। जैसे मान लीजिए कि युग्मनज बना है और ये युग्मनज का वो द्विगुणित केंद्रक हो गया, नामांकित कर दीजिए, क्या बन गया, समझना। एक एक स्टेप को समझना, एक एक चित्र जो है ये एक एक लाइन बनाएगा आपकी, और इस प्रकार से आप पूरा इस प्रश्न का वर्णन कर दोगे। लगभग एक डेढ़ पेज का वर्णन होने वाला है और परीक्षा में अगर आता है तो 4 नंबर का यह प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाला है। आगे क्या बात समझ में। तो सबसे पहले जो युग्मनज है ये, इस युग्मनज में क्या होता है स्टूडेंट समझते जाओ बस। इस युग्मनज में क्या होता है, एक केवल समसूत्री विभाजन नहीं लिखूंगा मैं इस बार, थोड़ा इसको मिटाता हूं, वापस से क्लियर करता हूं इसको। क्या होता है सबसे पहले, समसूत्री विभाजन तो पूरा होगा ही सही, लेकिन समसूत्री विभाजन भी किस प्रकार का। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो समसूत्री विभाजन होता है युग्मनज में, कभी पूछ ले तो ध्यान रखना, अनुप्रस्थ। कौन सा समसूत्री विभाजन होता है, अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहला विभाजन इस युग्मनज में क्या हुआ, अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन। आप जानते हो अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है। अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन का मतलब आप ये समझोगे कि जो ये युग्मनज है, सबसे पहले तो इस युग्मनज का जो केंद्रक है उसने विभाजित होकर के 2 केंद्रक बना लिए, विभाजित होकर के 2 केंद्रक बना लिए, 2 पुत्री केंद्रक बन गए, जो इस प्रकार से एक इधर और एक इधर एडजस्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको, तो इस प्रकार से पुत्री केंद्रक बन जाते हैं। और अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब होता है कि यहां बीच में एक कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य भी बढ़ जाता है, कुछ कोशिका द्रव्य इधर मिल जाता है, कुछ कोशिका द्रव्य इधर मिल जाता है, और इस प्रकार से युग्मनज एक द्विकोशिकीय रचना में बदल जाता है। कितना कोशिकीय रचना हो गई है, युग्मनज में तो एक ही कोशिका होती है, लेकिन अब युग्मनज किस में बदल गया है स्टूडेंट्स, एक द्विकोशिकीय रचना में बदल गया है। यानी कि कुल मिलाकर के भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इस युग्मनज में क्या होता है, देखो युग्मनज में क्या होता है कि ये जो ऊपर की तरफ है, ये जो कोशिका ऊपर की तरफ है, ये तो शीर्षस्थ कोशिका है, ये तो कौन सी कोशिका है, शीर्षस्थ कोशिका है। ऊपर का तात्पर्य क्या लिया जाए भाई, तो ऊपर का तात्पर्य लिया जाएगा निभाग की ओर है, किधर है, निभाग की ओर है। तो एक कोशिका तो निभाग की ओर बन जाती है, पूरा का पूरा युग्मनज तो बीजांड द्वार की तरफ है, लेकिन अब ये जो 2 बन गई कोशिका, तो एक ऊपर वाली कोशिका किधर हो गई, निभाग की तरफ, और नीचे वाली कोशिका किधर हो गई, बीजांड द्वार की तरफ। तो जो बीजांड द्वार की तरफ कोशिका है, इस कोशिका को कहा जाता है स्टूडेंट्स आधारी कोशिका। क्या कहा जाता है, आधारी कोशिका। और आधारी कोशिका किधर होती है, ध्यान देना, आधारी कोशिका किधर होती है, बीजांड द्वार की तरफ होती है। ये क्लियर हो गया। तो युग्मनज में सबसे पहले एक अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन हुआ और उसके फलस्वरूप एक द्विकोशिकीय रचना बनी, जिसमें निभाग की ओर जो कोशिका है उसे शीर्षस्थ कोशिका कहा जाता है, और बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका है उसे आधारी कोशिका कहा जाता है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे की घटना सुनिए, आगे की घटना सुनिए कि जो अब ये जो शीर्षस्थ कोशिका ऊपर बनी है, इस शीर्षस्थ कोशिका में अब होता है एक लंबवत समसूत्री विभाजन। क्या होता है, सॉरी इसको क्लियर करते हैं। पहले तो अपन इस एरो को मिटाते हैं क्योंकि छोटा सा एरो बन गया है, थोड़ा बड़ा एरो लेते हैं। देखो लंबवत विभाजन होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा लंबवत विभाजन होगा, तो यहां अपन लिखते हैं, लेकिन देखो विभाजन कैसे होगा, इधर देखना आप, थोड़ा सा यहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे समझ कि जो ये युग्मनज है, इसमें एक कोशिका तो आधारी कोशिका है और एक कोशिका क्या है, शीर्षस्थ कोशिका है। मान लीजिए ऊपर वाली आधारी है, नीचे वाली शीर्षस्थ है। तो जो ऊपर वाली आधारी कोशिका है ना स्टूडेंट्स, उसमें एक लंबवत विभाजन होता है। क्या होता है, एक लंबवत विभाजन होता है।
एक केंद्रक इधर आता है, एक केंद्रक इधर आ जाता है। देखो ये इस प्रकार से कोशिका थी, इसमें एक लंबवत ऐसा 90 डिग्री के कोण पर विभाजन हो रहा है, जिसे केंद्रक दो भागों में बट गया। तो जो शीर्षस्थ कोशिका थी, शीर्षस्थ कोशिका भी कितने भागों में बट गई, दो भागों में, यानी द्विकोशिकीय अवस्था हो गई। और जो आधारी कोशिका है ना स्टूडेंट्स, आधारी कोशिका उसमें अनुप्रस्थ विभाजन ही होता है, उसमें क्या होता है, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन ही होता है। तो इस प्रकार की रचना बन जाती है, इस प्रकार की रचना बन जाए। अब क्या होता है कि जो ऊपर जो शीर्षस्थ कोशिका है जो द्विकोशिकीय हो चुकी है, नीचे भी अनुप्रस्थ भी द्विकोशिकीय हो चुकी है, नीचे वाली जो कोशिका है जो आधारी कोशिका जिसको कह रहे हैं, इसमें तो लगातार समसूत्री विभाजन चलते रहेंगे, अनुप्रस्थ समसूत्री विभाजन चलते रहेंगे। लेकिन ऊपर वाली कोशिका को अभी और समझना है हमको, ऊपर वाली कोशिका को एक बार फिर बनाते हैं। देखो और बनाते हैं एक बार फिर, ये युग्मनज, ये युग्मनज, ये लंबवत विभाजन दो हो गया था पहले, इसमें 90 डिग्री के कोण पर एक और लंबवत विभाजन हो जाता है, एक और लंबवत विभाजन हो जाता है, जिससे ये जो है ये कितना कोशिकीय हो जाता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बना देता हूं, दो आगे दो पीछे, है ना। तो ये चार कोशिकीय रचना हो जाती है, शीर्षस्थ कोशिका कितना कोशिकीय रचना हो जाती है, थोड़ा इस प्रकार से बना लेंगे इसको, चार कोशिकीय रचना हो जाती है, दो आगे दो पीछे, जो सामने से नहीं दिख पा रही है। और जो नीचे वाली आधारी कोशिका थी मैंने बताया ना, उसमें तो क्या चलता रहेगा, उसमें तो समसूत्री विभाजन चलता रहेगा। थोड़ा स्पष्ट बना लेना पेन पेंसिल का उपयोग करके, बनाना कैसे वो बातें यहां क्लियर हो ही रही है। तो इस प्रकार से आधारी कोशिका भी आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अनुप्रस्थ विभाजनों के कारण, जबकि इसमें कुछ अनुप्रस्थ हो रहे हैं कुछ अनुदैर्ध्य हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला विभाजन अनुप्रस्थ हुआ था पूरे में, उसके बाद शीर्षस्थ कोशिका में तो क्या हुआ, शीर्षस्थ कोशिका में तो हुआ लंबवत विभाजन, शीर्षस्थ कोशिका में तो क्या हुआ लंबवत विभाजन, और आधारी कोशिका में क्या हुआ अनुप्रस्थ विभाजन। देखो थोड़ा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सॉरी, जल्दी तो नहीं है, चार नंबर का प्रश्न है ना, अब जल्दी है तो क्या कर सकते बताओ, है ना, क्योंकि समझते ही समझेंगे इन बातों को, क्योंकि बहुत जटिलता आ जाती है फिर इसमें अगर हम बारीकी से नहीं समझेंगे तो। देखिए एक तो हुआ लंबवत, सिर्फ लंबवत लिख देता हूं शॉर्ट में, तो लंबवत विभाजन तो किसमें हुआ, शीर्षस्थ कोशिका में, ठीक है, और एक हुआ स्टूडेंट्स अनुप्रस्थ, और अनुप्रस्थ विभाजन किसमें हो रहा है, आधारी कोशिका में। आधारी में तो लास्ट तक अनुप्रस्थ ही चलेगा, लेकिन जो शीर्षस्थ है उसमें थोड़ा बदलता जाएगा, जैसे अभी लंबवत हुआ है यहां पर, एक बार फिर लंबवत हो गया, तो पहले शीर्षस्थ कोशिका द्विकोशिकीय हुई, फिर शीर्षस्थ कोशिका चार कोशिकीय हो गई, चार कोशिकीय जब ये हो जाती है ना स्टूडेंट्स, तो इसको कहा जाता है चतुष्थांशक। थोड़ा इधर नामांकित करेंगे, यहां पर मेरा मोनो लगा हुआ है तो मैं इसको यहां नामांकित कर देता हूं कि ये जो चार कोशिकीय रचना बनी है स्टूडेंट्स, इस चार कोशिकीय रचना को कहा जाता है चतुष्टांशक, यानी चार कोशिकीय रचना चतुष्टांशक। तो ये चतुष्टांशक बने। अब इस चतुष्टांशक में क्या होता है, अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, ऐसे आधा कट लग जाता है, आधा ऐसे विभाजन हो जाता है। तो चार कितने में बदल जाएगी, अब तो आपको समझ में आ रहा है कि यार चार अगर अनुप्रस्थ रूप से अगर ये विभाजन कर जाए कोशिका, तो चार की डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, चार की डायरेक्ट आठ हो जाएगी, है ना, चार की डायरेक्ट कितनी कोशिकाएं हो जाएगी, आठ कोशिकाएं हो जाएगी। तो ये लीजिए, और इसके कारण ये थोड़ा थोड़ा गोल रूप लेने लग जाएगी, गोल, चार से कितनी हो गई, आठ हो गई स्टूडेंट्स। तो थोड़ा आठ कोशिकीय रचना यहां पर बन जाती है, जैसे एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ कोशिकीय रचना यहां पर बन जाती है, ये केंद्रक हो गए इनके। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आठ कोशिकीय रचना का निर्माण हो जाता है, क्योंकि एक अनुप्रस्थ विभाजन हो गया है, जबकि नीचे वाली थोड़ी लंबी हो जाती है, नीचे वाली जो कोशिका है आधारी कोशिका वो गोलाकार नहीं होती, वो धीरे धीरे थोड़ी लंबाई लेती जाती है, धीरे धीरे थोड़ी लंबाई लेती जाती है इस प्रकार से। ये पादपों का भ्रूण बन रहा है, देखो आप ये पादपों का भ्रूण बन रहा है, ऊपर वाली थोड़ी गोलाकार होती जा रही है, आठ कोशिकीय रचना बन गई है, थोड़ी गोलाकार हो गई है, जबकि नीचे वाली जो है आधारी कोशिका वो थोड़ी लंबी होती जा रही है। ये जो गोलाकार रचना बनी है ना स्टूडेंट्स, इस गोलाकार रचना को कहा जाता है अष्टांशक,
अष्टांशक। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो आधारी रचना इधर बनती जा रही है लंबी अनुप्रस्थ विभाजनों के कारण, इस रचना को कहा जाता है निलंबक। निलंबक यानी आधारी भाग जिससे ये भ्रूण टिका हुआ है, जिसके ऊपर ये भ्रूण टिका हुआ है, निलंबक। ध्यान रखिएगा अष्टांशक किधर बना है, पूरे भ्रूण कोष की अगर बात करें, भ्रूण कोष की अगर बात करें तो अष्टांशक किस ओर बना है, निभाग की ओर। और निलंबक किस ओर बना है, बीजांड द्वार की ओर। निलंबक किस ओर बना है, बीजांड द्वार की ओर। आशा करता हूं यहां तक भी बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, आगे जो अष्टांशक है, अब इस अष्टांशक में जो विभाजन होंगे वो ऐसा नहीं होगा। अभी तक तो क्या हो रहा था, पहले लंबवत हुआ, फिर लंबवत हुआ, फिर अनुप्रस्थ हुआ, अब क्या होगा, लगातार कई तो अनुप्रस्थ विभाजन हो जाएंगे, कई अनुदीर्घ विभाजन हो जाएंगे, जिससे आप एक बहुकोशिकीय रचना बनकर के तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक बहुकोशिकीय रचना बनकर के तैयार हो जाएगी। और ये जो भ्रूण है ऊपर का जो अष्टांशक है, ये प्योरली एक गोलाकार रचना में बदल जाएगा, प्योरली एक गोलाकार रचना में बदल जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, कैसे, एक बहुकोशिकीय रचना एक गोलाकार रचना बन जाएगी। इस प्रकार की बहुकोशिकीय रचना बन जाएगी, गोलाकार रचना बन जाएगी, जिसके अंदर कोशिकाएं कितनी हो गई, तो अब इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि लगातार कई समसूत्री विभाजन हुए हैं, जिनमें से न जाने कितने समसूत्री विभाजन तो अनुप्रस्थ है और न जाने कितने अनुदीर्घ है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है। तो इस प्रकार से लगातार समसूत्री विभाजनों के फलस्वरूप एक गोलाकार भ्रूण बनकर के तैयार हो जाता है, शीर्षस्थ वाला भाग गोलाकार हो जाता है। स्टूडेंट, ये जो कोशिकाएं बनी है तो ऊपर की कोशिकाएं थोड़ी चपटी हो जाती है, जिससे इस भ्रूण की परत का निर्माण होता है। ऊपर की कोशिकाएं इस प्रकार से कुछ चपटी हो जाती है, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से ऊपर की कोशिकाएं कुछ चपटी हो जाती है। आ रहा है आप लोगों को समझ में? और इस प्रकार से जो गोलाकार भ्रूण तैयार हुआ है ना स्टूडेंट्स, इसमें दो स्पष्ट परतें आप देख सकते हो। ऊपर की जो चपटी कोशिकाएं अलग से दिखाई दे रही है, इस परत को कहा जाता है डर्मेटोजन। क्या कहा जाता है, डर्मेटोजन, जो आगे जाकर भ्रूण की त्वचा बनाएगा, जो आगे जाकर भ्रूण की त्वचा बनाएगा। और अंदर जो ये गोलाकार रूप में आप बहुत सारी कोशिकाएं देख रहे हैं, इसको कहा जाता है आंतरिक, आंतरिक कोशिकीय समूह, आंतरिक कोशिकीय समूह इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, विभाजन रुकने वाला नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, विभाजन लगातार हो रहा है। अच्छा हाँ, नीचे देख लीजिए, नीचे क्या है, नीचे कोई परिवर्तन नहीं है। नीचे तो वो जो निलंबक था ना, वो भी क्या करता जा रहा है, लगातार समसूत्री विभाजन करके लंबाई में बढ़ता जा रहा है। हालांकि ये 7 से 8 कोशिकीय रचना होती है, अधिकतम 9 कोशिकाएं इसमें हो सकती है, तो 9 से ज्यादा नहीं बनाओगी। कितनी हो गई अभी, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 बोध है। और इसमें भी जो अंतिम कोशिका है ना, वो इस प्रकार से एक चूसकांग बना लेती है, जिसको स्फीतिका या चूसकांग ही कहा जाता है। ये लीजिए, स्फीतिका भी इसको कहा जाता है, हाइपोफाइसिस स्फीतिका भी इसको कहा जाता है। ये पूरा निलंबक है, लगातार स्फीतिका एज इट इज रहने वाली है। निलंबक में बीच में कोशिकाओं की संख्या बढ़ सकती है, जैसे अभी 7 कोशिकीय रचना हो गई, 8 या 9 कोशिकाएं अधिकतम इस निलंबक में हो सकती है। तो इस प्रकार का ये प्रारंभिक भ्रूण है स्टूडेंट्स, आप इसको प्राक भ्रूण कह सकते हैं। प्राक अभी परिपक्व नहीं हुआ है, कच्चा है अभी। इस स्थिति को क्या कहा जाता है, प्राक भ्रूण कहा जाता है। आशा करता हूं कि अब तक की बातें आपको समझ में आ रही है। 4 नंबर का प्रश्न है, और अगर 4 नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके, दिमाग पे थोड़ा सा वर्डन डाल करके समझ लेते हो तो भी कोई बुराई तो है नहीं, है ना। और आशा करता हूं कि आपको इजी गोइंग ये बातें समझ में आ रही होगी। विभाजन जारी है, ऊपर जो आंतरिक कोशिकीय समूह है स्टूडेंट्स, इस आंतरिक कोशिकीय समूह में विभाजन अभी जारी है, विभाजन रुका नहीं है, जिसके कारण ये जो गोलाकार रचना है ना, ये क्या हो जाती है, हृदयाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है, हृदयाकार भ्रूण बन जाता है। इस प्रकार से एक हृदयाकार भ्रूण का निर्माण हो जाता है,
हृदयाकार भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ऊपर तो वही चपटी कोशिकाएं जिनको आप डर्मेटोजन कह रहे हैं, जो आगे जाकर के जब परिपक्व हो जाएगा भ्रूण, उस समय बच्चों ये क्या बना लेगी, भ्रूण की त्वचा बना लेगी। आगे जाकर के इससे त्वचा बनने वाली है, अभी तो हार्ट शेप भ्रूण हो गया, ये भ्रूण कैसा हो गया, हार्ट शेप है ना, हृदयाकार भ्रूण बनता है पहले, तो ये हृदयाकार भ्रूण बनकर के तैयार है। अंदर क्या है भाई, तो अंदर तो वही बहुकोशिकीय रचना है, अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर तो वही बहुकोशिकीय रचना है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब इन कोशिकाओं में देखने को मिलेगा आपको वेरिएशन। अब यहां से कोशिकाएं कुछ अलग प्रकार से विभाजन करना शुरू करेगी, तो जो बहुकोशिकीय रचना आप अंदर बना रहे हो, अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आपको देखने को मिलने वाली है। स्टूडेंट्स देखो नीचे क्या है, यहां बता दो फटाफट नाम लेकर के, यहां एज इट इज निलंबक बनेगा ही सही, एक दो तीन, एक आध कोशिका और बढ़ा देना, चार पांच छ सात चूसकान, बस। तो इस प्रकार से भ्रूण क्या हो जाता है, पहले गोलाकार था, फिर क्या हो गया, हृदयाकार हो गया। नाम अगर इसको दूंगा मैं तो इसको मैं हृदयाकार ही कहूंगा, हृदयाकार, हालांकि परिपक्व तो ये भी नहीं है, इसलिए हो जाएगा हृदयाकार प्राक भ्रूण। आशा करता हूं कि ये बातें भी आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं आगे, अब प्राक भ्रूण से आगे क्या होता है उसको समझते हैं। अब आगे होता क्या है स्टूडेंट्स, कि ये जो अंदर बहुकोशिकीय रचना है इसमें विभाजन अभी भी जारी है, अब विभाजन अभी भी जारी है ना, तो यहां से ये वाला पार्ट विभाजन करके लंबा होता जाता है। देखो इस भाग की कोशिकाएं विभाजन करके यहां से इस लोब को बढ़ा देगी, इस पाली को आगे बढ़ा देगी, और इस भाग की कोशिकाएं यहां से विभाजन करके इस पाली को आगे बढ़ा देगी, जिसके कारण यहां बीच में खांच बन जाएगी, एक खांच बन जाएगी। तो इसका जो ये खांच वाला जो ये भाग रहेगा पूरा पूरा, इसको कहा जाता है भ्रूणीय अक्ष। क्या कहा जाता है इसको, भैया भ्रूण का क्या हो गया, एक्सिस हो गया, सेंटर पार्ट हो गया, तो इसको भ्रूणीय अक्ष कहा जाता है। देखो कैसे आप यहां समझोगे पूरी बात का, को आप यहां यहां इस प्रकार से क्लियर करते हो। देखो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, कि वो जो हृदयाकार भाग था, अब मैं पहले पूरा डिजाइन बना देता हूं, कि वो जो हृदयाकार भाग था अब हृदयाकार रहने वाला नहीं है, उसका एक भाग इस प्रकार से आगे वृद्धि करके एक पाली उसने पूरी ऐसे बना ली, और दूसरे भाग ने भी वृद्धि करके एक पाली पूरी ऐसे बना ली, तो इस प्रकार से यहां बीच में क्या बन गई, एक खांच बन गई है ना। ये हृदयाकार था पहले, लेकिन ये दो भाग इसके बहुत ज्यादा वृद्धि कर गए, अच्छा ये भी थोड़ा बहुत ज्यादा इधर आ गया, तो इसको थोड़ा और अपन मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो क्या होता है, देखें है ना, क्योंकि अब थोड़ा सा पूरा ही मिट गया, चलो मैं दोबारा बनाता हूं, आपका समय नहीं खराब करता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से पाली बन गई ऊपर ये, अब आप कह सकते हो कि यार ये जो वो रचना जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था ना, डर्मेटोजन, अब फाइनली आप इसको क्या कह सकते हो, कि ये परिपक्व भ्रूण बनने जा रहा है, क्या बनने जा रहा है, परिपक्व भ्रूण। तो ये हो गई भ्रूण की त्वचा, इसको आप एपिडर्मिस कंसिडर कर सकते हो, अब क्या कंसिडर, भ्रूण की त्वचा मतलब एपिडर्मिस। तो ये ऊपर क्या हो गई, जिसको आप अब तक डर्मेटोजन कह रहे थे उसको आप अब क्या कह सकते हो, एपिडर्मिस कह सकते हो। तो इस प्रकार से तो ये ऊपर तो क्या बन जाती है स्टूडेंट्स, एपिडर्मिस बनकर के तैयार हो जाती है, ये लीजिए एपिडर्मिस बनकर के तैयार हो जाती है, ठीक है, ये भ्रूण की त्वचा एपिडर्मिस, ठीक है, आप थोड़ा स्पष्ट बना लीजिएगा। और ये बाकी जो है अंदर बहुकोशिकीय रचना, तो एज इट इज है सही, तो अंदर ये बहुकोशिकीय रचना, बहुत सारी इसके अंदर कोशिकाएं होती है, लेकिन अब इसमें भी क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मैंने बताया था ना कि जो खांच बनती है उसका ये वाला पूरा एरिया जो है, ये वाला पूरा एरिया जो है, ये क्या कहलाता है, भ्रूणीय अक्ष कहलाता है, क्या कहलाता है, भ्रूणीय अक्ष कहलाता है। तो इस भ्रूणीय अक्ष में जो ये ऊपर वाला भाग है, यहां की कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से अरेंज होकर के, यहां की कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से अरेंज होकर के स्टूडेंट्स एक शीर्षस्थ भाग बनाती है, जिसको बीज पत्रोपरिक कहते हैं, और ये बीज पत्रोपरिक बाद में एडजस्ट हो जाता है इस प्रकार की एक संरचना बदल जाता है, जिसको कहा जाता है प्रांकुर चोल। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्रांकुर चोल। और इस प्रांकुर के अंदर कोशिकाओं का एक समूह बनता है, प्रांकुर के अंदर कोशिकाओं का एक समूह बनता है स्टूडेंट, इस प्रकार से बना देते हैं ताकि थोड़ा अलग दिखे, इसे कहा जाता है प्रांकुर। क्या कहा जाता है, प्रांकुर, बीज पत्रोपरिक था
यहां ऊपरी भाग क्या था, बीज पत्रों परिख, समझ, बीज पत्रों परिख, ठीक है, जो किस में बदल गया, बदल गया प्रांकुर चोल में, समझते जाइए। और प्रांकुर चोल के भीतर किसका निर्माण हुआ स्टूडेंट्स, प्रांकुर का, किसका निर्माण हुआ, प्रांकुर। इसी प्रकार जो नीचे वाला भाग है उसको बीज पत्राधार कहा जाता है, और बीज पत्राधार बना लेता है मूलांकुर चोल, आगे जाकर के मूलांकुर चोल बना लेता है। और मूलांकुर चोल के भीतर क्या होता है, मूलांकुर चोल के भीतर होता है मूलांकुर। तो ये जो अंदर डॉट देख रहे हैं इसको तो आप नामांकित कर सकते हैं मूलांकुर, मूलांकुर। और ये जो आवरण है ये क्या है, दिख रहा है ना, ये क्या है, तो भाई ये है मूलांकुर चोल। मूलांकुर चोल तो अभी है, लेकिन पहले क्या था, तो पहले था स्टूडेंट बीज, जैसे वो बीज पत्रों परिख था ना, वैसे ये पहले क्या था, अभी तो मूलांकुर चोल है, लेकिन पहले क्या था, इसको आप ऑब्लिक करके भी लिख सकते हो चाहो तो, ये पहले था बीज पत्राधार, बीज पत्राधार यानी बीज पत्र का आधार, बीज पत्र का आधार। तो स्टूडेंट ये बीज पत्र, आप पूछोगे कि सर ये बीज पत्र क्या है, तो भाई ये जो पालियां बनी है ना, ये लोब बनी है एक इधर की और एक इधर की, इन्हीं लोब्स को क्या कहा जाता है, इन्हीं लोब्स को कहा जाता है बीज पत्र, इन्हीं लोब को क्या कहा जाता है, इन्हीं पालियों को क्या कहा जाता है, बीज पत्र। बाकी तो अंदर जहां जहां भी रिक्त स्थान आपको दिख रहा है वहां वहां आप क्या कर देंगे, इस प्रकार से छोटी छोटी कोशिकाएं बना करके उस रिक्त स्थान को फिलअप कर देंगे स्टूडेंट्स, जहां जहां भी आपको रिक्त स्थान दिख रहा है। पेंसिल से तो बहुत सुंदर बनने वाला है, है ना, पेंसिल से तो बहुत सुंदर बनने वाला है भाई। तो इस प्रकार से जहां जहां भी आपको रिक्त स्थान दिख रहा है वहां वहां आप ऐसी कोशिकाएं डिजाइन कर देंगे। तो ये बन गया आपका भ्रूण। अच्छा नीचे छूट गया क्या, क्या है नीचे, नीचे तो पहले ही नामांकित कर चुके हो ना बच्चों आप, नीचे क्या है, निलंबक, एक दो तीन चार पांच छ सात, नौ कर देते हैं आठ, और ये एक स्फीतिका होती है सबसे लास्ट में नौ, तो यही तो बनाया। इसी प्रकार ये जो आप देख रहे हो ना भैया फाइनल रचना जो आप देख रहे हो, आधे भाग हम पहले नामांकित कर चुके, तो जिनको पहले नामांकित कर चुके हैं उनको यहां करने की जरूरत नहीं है, जिनको यहां नहीं किया वहां कर देते हैं कि भाई जो दो पालियां बनी है वो बीज पत्र है, बाकी यहां पर बीज पत्रों पर एक ने आगे जाकर के प्रांकुर चोल बना लिया, और इसके नीचे ये जो डार्क रचना देख रहे हैं ये प्रांकुर है। इसी प्रकार यहां पर ये मूलांकुर है, इसके चारों ओर आवरण मूलांकुर चोल है, जो पूर्व में क्या हुआ करता था, बीज पत्राधार हुआ करता था। तो आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा फोन कॉल आ गया था तो उसको अटेंड करके वापस आए हैं, ऐसा कोई विशेष वाली बात तो नहीं है, आ गया ना निलंबक वगैरह सारी बातें, सारे नामांकन कर चुके हैं। आप चाहो तो एक नामांकन और यहां बढ़ा सकते हो कि ये क्या है, ये जो ऊपरी आवरण है ये भ्रूण की त्वचा है, क्या है ये, भ्रूण की त्वचा है, यानी आप इसको कहोगे भ्रूणीय त्वचा, क्या कहोगे, भ्रूणीय त्वचा। तो थोड़ा ऊपर और नीचे नामांकन मैच ना कर जाए ना, ध्यान रखना ऊपर अलग चित्र है नीचे अलग चित्र है, अगर फिर भी दिक्कत है तो चलो अभी एक दीवार खींच देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना, एक दीवार ही खींच देते हैं अपन दोनों के बीच में कि भाई ऊपर वाला अलग है डायग्राम, है ना। ये देखो ये पहली रो का डायग्राम है, इन डायग्राम को आपको पहली रो में बनाना है, क्लियर। और इसके बाद ये जो डायग्राम बनेगा यहां से, है ना, ये आपको दूसरी रो में बनाना है, और ये जो डायग्राम है भाई ये तीसरी रो में बनाना है। हालांकि ऑलमोस्ट आपका काम हो गया है, अगर आप इसको दर्शाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर और आपको
बता दूं कि भाई ये बताया था ना मैंने, कहां बन रहा है? भ्रूण कोष में बन रहा है। कहां बन रहा है? भ्रूण कोष में बन रहा है। तो अगर आप चाहें पूरी की पूरी डिजाइन देखना कि यार कैसे क्या हुआ है, पूरी घटना को अगर आप देखना चाहे तो भाई ये भ्रूण कोष था, है ना, ये क्या था? भ्रूण कोष था। और चलिए थोड़ा चेंज कर दिया, बातें क्या थी यहां पर, तीन कोशिकाएं थी। भ्रूण के डेवलपमेंट के दौरान ये तीन कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, कुछ में हो जाती है, कुछ में रह जाती है। चलो बना दी तो इसको बनी रहने दो, कोई विशेष बात तो नहीं है। आपने कल पढ़ी लिया था, यहां ये पूरा क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, पूरा भ्रूण कोष बन जाता है ना, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। और बताया था यहां पर क्या बनता है, ऐसी तो रचना बनाई थी एक मैंने इस प्रकार से, ऐसे ये निलंबक, ये चूसकांग, है ना, और यहां से द्विपालित भ्रूण, ये द्विपालित भ्रूण, ऐसी तो कुछ रचना बनाई थी। तो इस प्रकार से यहां पर ये क्या बन जाता है, ये भ्रूण बन जाता है। अगर आप चारों तरफ की बात करें तो भ्रूण कोष के अंदर तो ये हो गया, लेकिन अगर आप बीजांड की बात करें तो ये भ्रूण कोष भी कहां है स्टूडेंट्स, ये भ्रूण कोष भी बीजांड के अंदर है। तो पूरा बीजांड के अंदर दर्शा सकते हो आप इसको, कि पूरी की पूरी रचना जो आप देख रहे हो ये बीजांड के अंदर बनी है। कहां बनी है? बीजांड के अंदर। इस प्रकार से पूरी की पूरी रचना कहां बनी है स्टूडेंट्स, बीजांड के अंदर बनी है, ये लीजिए। तो इस प्रकार से ये बीजांड है, बीजांड के अंदर भ्रूण कोष है, और भ्रूण कोष के अंदर भ्रूण बन चुका है, भ्रूण के पोषण के लिए ये भ्रूण कोष भी बन चुका है। तो आशा करता हूं कि पूरा कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, भ्रूण का निर्माण भी हो गया। कुछ ही समय में, कुछ ही एक दो दिनों में आप यहां पर बीज देखेंगे और बीज से नया पादप देखेंगे। फिलहाल अगर पुरानी बातें याद ताजे करूं आपकी यादें, तो यहां पर वर्तिकाग्र था जो झड़ चुका है, यहां पर वर्तिका थी जो भी झड़ चुकी है, और यहां ये फूला हुआ भाग है इसके चारों ओर, जिसको अंडाशय कहते हैं। आप चाहो तो बना दो, लेकिन कोई मीनिंग नहीं रहता। आप वैसे ही ध्यान रखना कि चारों ओर क्या है, अंडाशय है, अंडाशय नहीं झड़ा, क्योंकि अंडाशय के अंदर ही तो ये है, अंडाशय झड़ जाएगा तो ये कहां जाएगा। तो चारों ओर अभी अंडाशय भी है, इस बात को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि चार नंबर का ये पूरा प्रश्न की एक एक लाइन आपके समझ में आ गई होगी। इस चित्र को अगर आप नामांकित करना चाहते हैं, इस चित्र का अगर आप नाम लिखना चाहते हैं, तो आप इस चित्र का नाम लिखेंगे कि द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्धन। ये पूरा डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, समझ जाना। आप मैं बोल भी रहा हूं यार, है ना, अब थोड़ा सा राइटिंग नहीं आती है तो इसका कुछ किया तो नहीं जा सकता, फिर भी मैं काफी कोशिश करता हूं। तो आप समझ रहे होंगे इस भावनाओं को, जल्द ही इस समस्या से भी निजात पा लेंगे हम। वैसे मैं बोल देता हूं तो इतना कोई बात तो है नहीं, आपको समझ में आ जाता होगा। वैसे जितने इंपोर्टेंट नामांकन है वो साफ स्पष्ट लिखे हुए हैं, द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्तन। तो इस चित्र का पूरा नाम लिख लोगे आप, द्विबीजपत्री पादप में भ्रूण का परिवर्धन। नीचे लिखा हुआ है साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन रामगंज मंडी कोटा। तो बिल्कुल ये हमारे लिए, अगर हमारी वीडियो रामगंज मंडी से बाहर देखी जा रही है, कोटा से बाहर देखी जा रही है, और आप लोग इसे पसंद कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यार ये हमारे लिए बहुत छोटे से शहर है हमारा, और इस छोटे से शहर के लिए बहुत ही गौरव की बात होती है कि आप बाहर से वीडियो को देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए, है ना, आपके आभारी रहेंगे हम कि आप हमारी मेहनत को समझ रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये पूरा आपका कंसेप्ट है, अगर आप चाहो तो दोहरा लो क्या क्या हुआ है। देखो चार नंबर के प्रश्न में आपको क्या क्या लिखना है, वापस आ जाओ। सबसे पहले सर एक युग्मनस था, चलो एरो लाते हैं, एरो से ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो सबसे पहले एक युग्मनस था, युग्मनस में सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे दो कोशिकाएं बनी, निभाग की तरफ शीर्षस्थ कोशिका, बीजांड द्वार की तरफ आधारी कोशिका। तत्पश्चात शीर्षस्थ कोशिका में एक लंबवत विभाजन हुआ जिससे शीर्षस्थ कोशिका द्वि कोशिकीय रचना में बदल गई, और इसी प्रकार आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे आधारी कोशिका भी द्वि कोशिकीय रचना में बदल गई। तत्पश्चात जो द्वि कोशिकीय शीर्षस्थ कोशिका थी, शीर्षस्थ कोशिका जो द्वि कोशिकीय रचना में बदली थी, उसमें एक और लंबवत विभाजन होता है, और उस लंबवत विभाजन के फलस्वरूप एक चतुष्टांशक चार कोशिकीय अवस्था चतुष्टांशक में बदल जाती है, कौन, शीर्षस्थ कोशिका। जबकि आधारी कोशिका लगातार संसूत्री विभाजन करके निलंबक बना लेती है, इस लाइन को आप सबसे बाद में लिख देंगे। जो चतुष्टांशक बना उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन पुनः होता है और चतुष्टांशक बदल जाता है अष्टांशक में, नीचे निलंबक बन चुका है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
तत्पश्चात जो अष्टांशक है उस अष्टांशक में लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं अनुदैर्ध्य और लंबवत दोनों प्रकार के, जिसके कारण भ्रूण जो है गोलाकार हो जाता है और दो परतों में बढ़ जाता है। ऊपरी परत डर्मेटोजन और आंतरिक कोशिकीय समूह आंतरिक कोशिकीय समूह ही कहलाता है। तत्पश्चात आंतरिक कोशिकीय समूह में लगातार विभाजन के फलस्वरूप जो गोलाकार भ्रूण था वो हृदयाकार हो जाता है, हृदयाकार हो जाता है, और इस हृदयाकार भ्रूण में भी लगातार विभाजन के फलस्वरूप इस प्रकार के खांच बन जाती है। इस वाले भाग को भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। भ्रूणीय अक्ष के ऊपर बीज पत्रोपरिक होता है जो आगे जाकर के बीज प्रांकुर चोल बनाता है जिसमें प्रांकुर का निर्माण होता है, जबकि जो भ्रूणीय अक्ष है उसके आधारी भाग पर बीज पत्राधार होता है जो मूलांकुर चोल बनाता है और जिसमें मूलांकुर का निर्माण होता है। बाकी जो बीज पत्र है वो पार्श्व में होते हैं। अगर इसमें एक बात देखी जाए तो जो भ्रूणीय अक्ष है वो अग्रस्त, इस स्थिति को अग्रस्त स्थिति कहते हैं। तो जो भ्रूणीय अक्ष है वो अग्रस्त स्थिति में होता है जबकि जो बीज पत्र है वो पार्श्व में होते हैं, साइड में होते हैं। बीजों को आपने देखा होगा बीज पत्र हमेशा पार्श्व में होते हैं और भ्रूण जो है वो बीचों बीच होता है यानी अग्रस्त स्थिति में होता है। तो इस स्थिति को भी ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्तन होता है। निलंबक के बारे में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। अगर पूरी स्थिति को आप दर्शाना चाहते हैं तो ये चित्र भी आप बना लें, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी आप जरूर बनाएं, बनाने लें जरूर बनाएं। तो इस प्रकार से जो भ्रूण बनाए वास्तव में बीजांड के अंदर भ्रूण कोष में यहां लोकेशन होती है इसकी। हो गया 36 मिनट में समझाए, अब नोट्स बनाएंगे फटाफट तुरंत बिना किसी देरी के। चलिए तो यहां से रोका था हमने द्विबीजपत्री में भ्रूण का परिवर्तन। देखो जो समझा है और जो लिख रहे हैं उसमें कुछ मिल रहा है या फिर वैसे ही चल रहा है मामला, तो पहला पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए, देखिए कुछ मिला है क्या जो समझा उसमें से। युग्मनज में प्रथम विभाजन, बिल्कुल प्रथम विभाजन हुआ था, अनुप्रस्थ होता है जिससे एक शीर्षस्थ कोशिका तथा एक आधारीय कोशिका बनती है। शीर्षस्थ कोशिका निभाग की ओर तथा आधारीय कोशिका बीजांड द्वार की ओर बनती, बिल्कुल सच कह रहा हूं। इन दो कोशिकाओं में पुनः लंबवत विभाजन हो जाता है, ये थोड़ा सा यहां पर करेक्शन करेंगे अपन। इन दो कोशिकाओं में पुनः लंबवत विभाजन हो जाता है, तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर ही लेते हैं। इन दो कोशिकाओं में नहीं हुआ भाई, शीर्षस्थ और बीजांड द्वार की तरफ आधारी कोशिका बनी दोनों में नहीं हुआ है। तो आप यहां पर लिखना कि इन दो की जगह लिख लो आप लंबवत विभाजन दोनों में नहीं होता, लंबवत विभाजन केवल शीर्षस्थ में होता है। लंबवत विभाजन किस में होता है? शीर्षस्थ में होता है। तो यहां पर इसको काटा है ना, इसकी जगह आप लिखेंगे शीर्षस्थ। शीर्षस्थ कोशिकाओं में भी नहीं, कोशिका में पुनः लंबवत विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिकी नहीं, पहले बनेगी दो कर लेना, दो कोशिकीय अवस्था बनती है, है ना। वो एक लाइन मिस हो गई आ रही है ना, इसलिए चक्कर पड़ रहा है। दो कोशिकीय अवस्था बनती है और जो दो कोशिकीय अवस्था जो है इसमें क्या होता है, देखो यहां पर मैं ऐसे एरो लगाता हूं, फुल स्टॉप लगा देता हूं। दो कोशिकीय अवस्था बनती है तो फुल स्टॉप हो गया। अब जिसे चतुष्टांशक कहते हैं ना, इस जगह पर आप एक लाइन को एड करोगे। अब परेशान मत हो, इतना तो आप कर ही सकते हो, इस लाइन को आप एड करोगे। मैं प्लस करके कर देता हूं कि यहां पर आपको एक लाइन एड करनी है और वो एड करने वाली लाइन क्या है उसको मैं यहां लिख देता हूं या फिर यहां नीचे लिख देता हूं ना। एक लाइन आपको एड करनी है। चतुष्टांशक कहते हैं कि पहले कि द्वि कोशिकीय अवस्था बनती है और यहां पर आप लिखोगे कि द्वि कोशिकीय अवस्था में पुनः एक बार फिर लंबवत विभाजन होगा, यही तो समझाया था, पुनः लंबवत विभाजन होता है, फल स्वरूप कितना कोशिकीय अब बनती है, चार कोशिकीय रचना, तो ये लाइन स्किप हो गई। फलस्वरूप चार कोशिकीय अवस्था बनती है, बस खत्म। और आगे तो ये है इसी जिसे चतुष्टांशक कहते हैं। अब चतुष्टांशक में क्या होगा, तो बताया था एक और अनुप्रस्थ विभाजन हो जाता है, तो चतुष्टांशक में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप आठ कोशी की अवस्था बनती है जिसे अष्टांशक कहते हैं, खत्म। अष्टांशक तक की बात हो गई थी, अब आगे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, अष्टांशक में कई अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप एक बाह्य कोशिकीय परत डर्मेटोजन व एक आंतरिक कोशिकीय समूह बनता है। और आपको पता है इसी समय भ्रूण गोलाकार भी हो गया था, तो वो लाइन भी हम यहां पर लिख लेंगे, ठीक है, वो लाइन भी हम यहां पर लिख लेंगे। क्या हो जाएगा देखो, डर्मेटोजन भ्रूण की त्वचा का निर्माण करता है तथा आंतरिक कोशिकीय समूह में पुनः विभाजन से विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप भ्रूण गोलाकार
और तत्पश्चात हृदयाकार हो जाता है। हृदयाकार होने के बाद क्या हुआ था, तो हृदयाकार भ्रूण में पुनः विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप भ्रूण के मध्य में एक खांच निर्मित हो जाती है, बताया तो एक खांच बनी है जिसे भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भ्रूणीय अक्ष के दोनों ओर पालीनुमा संरचना बीजपत्र बन गई थी, बिल्कुल बीजपत्र कहलाती है। भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग बीजपत्रोपरी कहलाता है, जिसे प्रांकुर चोल का जिससे प्रांकुर चोल का विकास होता है, आगे जाकर के उसे प्रांकुर चोल बनता है। और इस प्रांकुर चोल में क्या होता है, तो प्रांकुर चोल में प्रांकुर होता है, क्या होता है, प्रांकुर होता है। प्रांकुर क्या काम करता है आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर क्या बनता है, प्रांकुर, याद रख लेना। आगे नीचे वाला भाग, इसी प्रकार भ्रूणीय अक्ष का आधारीय भाग बीज पत्राधार कहलाता है, जिसमें मूलांकुर जिससे या इसमें मूलांकुर चोल से मूलांकुर बनता है, यानी पहले मूलांकुर बनता है, देन फिर मूलांकुर चोल बनता है, देन फिर मूलांकुर बनता है। ओके, अब ये जो बार बार शब्द आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कहोगे सर ये बताई दो आप, तो बताई देते हैं आपको भाई, एक तो आ रहा है प्रांकुर और एक आ रहा है मूलांकुर। तो जिस भाग से तने का निर्माण होता है, वायवीय भाग का निर्माण होता है पादप का, इस भाग को कहा जाता है प्रांकुर, और जिस भाग से जड़ निकलेगी आगे जाकर भ्रूण में बीज में से, उस भाग को कहा जाता है मूलांकुर, दैट्स ऑल। तो ये बातों भी आपको ध्यान में रखनी है, इसको हटा देते हैं अपन, क्लियर है, इतनी सी बात थी बस। तो भाई आपको समझ में आ गया कि जो भ्रूणीय अक्ष है उसका जो ऊपरी भाग है वो प्रांकुर बीज पत्रोपरिक है, आगे जाकर के क्या बनाएगा, बीज प्रांकुर चोल बनाएगा, और प्रांकुर चोल में प्रांकुर बनेगा जिससे वायवीय भाग बनेगा। इसी प्रकार जो भ्रूणीय अक्ष है उसका नीचे वाला भाग आधारीय भाग बीज पत्राधार बीज पत्र का आधार है, और इससे मूलांकुर चोल बनेगा जिसमें मूलांकुर होगा, जो आगे जाकर के जो अंकुरण होगा उस समय इस भाग से जड़ बनेगी। क्लियर है क्या, यस करो यार, बिल्कुल बातें ही नहीं हुई क्योंकि पर लंबा टॉपिक था और आज ही खत्म करना था, इससे ज्यादा बातें आपसे की नहीं है ना, नहीं तो बातें बिना अपना काम चलता ही नहीं है, लेकिन लंबा टॉपिक था और आज ही खत्म करना था तो ज्यादा बातें आपसे हुई नहीं है, तो बता दीजिए देखिए क्या बात हुई है, आ गई समझ में, अब तक की बातें समझ में आ रही है क्या, क्लियर है ना, चलो क्लियर है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, तो वो जो बच गई था ना निलंबक वाली वो घटना, यहां एक साथ लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि दूसरी ओर जो आधारीय कोशिका थी उसमें लगातार अनुप्रस्थ विभाजनों के फलस्वरूप, मैंने कहा था 9 इसमें 10 है, तो कोई बात ना, 9 10 ही होती है क्या, तो 7 से 10 कोशिकीय लंबा निलंबक बनता है ना, 7 से लेकर के 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, इतनी हो सकती है, निलंबक बनता है। निलंबक की अंतिम कोशिका फूल कर चूसकांग बनाती है जो भ्रूण पोष से पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है, इसे स्फीतिका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्फीतिका भी कहते हैं, और इस प्रकार से द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण का परिवर्धन होता है। आशा करता हूं कि बातें समझ में आ गई होगी। एक विशेष बात ध्यान रख लेना कि द्विबीजपत्री भ्रूण में दोनों बीजपत्र, बताया था, पार्श्व में होते हैं जबकि प्रांकुर अग्रस्त स्थिति में होता है, प्रांकुर अग्रस्त स्थिति में होता है। अगर कभी आपसे द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण में अंतर पूछ लिया जाए तो भाई ध्यान दे लीजिएगा, थोड़ी क्लास तो लंबी हो रही है लेकिन ध्यान दे लो कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण है, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास है वो बराबर है एक बीजपत्री भ्रूण के विकास, यानी दोनों में एक जैसा ही विकास होता है, लेकिन एक बेसिक अंतर होता है, वो बेसिक अंतर क्या है, वो सिर्फ बदलेगा, बाकी प्रारंभिक अवस्थाएं सेम रहेगी, वही गोलाकार भ्रूण बनेगा, वही हृदयाकार भ्रूण बनेगा, वही खांचे बनेगी, बस बीज पत्र नहीं बनेगा, बीज पत्र बनेगा लेकिन बीज पत्र की संख्या एक बीज पत्र में कितनी होगी, एक होगी। यहां पर बीज पत्र कहां है, पार्श्व में है, बीज पत्र कहां है देखो ना, लिखा ना, बीज पत्र पार्श्व में, जबकि इधर एक बीज पत्री में जो बीज पत्र बनता है एक ही बनता है और वो पार्श्व में नहीं होता, वो अग्रस्त स्थिति में होता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं, बस यही अंतर है। इधर प्रांकुर अग्रस्त स्थिति में है, प्रांकुर अग्रस्त स्थिति में है, प्रांकुर अग्रस्त स्थिति में है, जबकि यहां ऐसा नहीं होगा, यहां प्रांकुर पार्श्व स्थिति में होगा, बस यही अंतर है। यानी जो यहां पर पार्श्व में है वो एक बीज पत्री में अग्रस्त हो जाएगा और जो यहां पर अग्रस्त है यानी प्रांकुर, वो एक बीज पत्री में पार्श्व में हो जाएगा। और जो बीज पत्र है, यहां तो बीज पत्रों के नाम से ही जाना जाता है, दोनों बीज पत्र दो बीज पत्रों के नाम से जाने जाते हैं, जबकि इसका जो एक बीज पत्र है उसको क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। तो इतना सा अंतर आ जाता है बस एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री भ्रूणों में, बाकी सब सेम रहता है, डेवलपमेंट पूरा सेम रहता है। ये डायग्राम है जो बना चुके हो, इसको अच्छे से टाइम देकर के बनाना, आपके पास पूरा 24 आवर्स का समय होता है, दूसरे दिन की क्लास शुरू होने से पहले पहले आपको पहली जो क्लास है उसके नोट्स बना करके कंप्लीट कर लेने चाहिए।
तो इसी के साथ द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास की प्रक्रिया समाप्त होती है। एकबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ है नहीं, सेम रहता है, बस थोड़ा सा अंतर है जो मैं समझा चुका हूं, इसको भी आप आज ही खत्म कर लीजिए। क्या है देखो, पढ़ते हैं ना, एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण के परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था द्विबीजपत्री पादपों के समान ही होती है, खत्म। आगे बढ़ते हैं, परिपक्व भ्रूण में एक बीजपत्र होता है, केवल एक ही बीजपत्र होगा जबकि वहां दो थे, और उस एक को भी क्या कहते हैं, स्कूटेलम, जो भ्रूण के अग्रस्त स्थिति में होता है जबकि वहां पर बीजपत्र पार्श्व स्थिति में थे, यहां पर अग्रस्त स्थिति में होता है, जबकि प्रांकुर वहां अग्रस्त स्थिति में था, यहां पार्श्व भाग में स्थित होता है। एक और बात कर लीजिए कि भ्रूणियक्ष को पूरा का पूरा भ्रूणियक्ष ही बीजपत्रों परिक होता है, जिसका शीर्ष भाग प्रांकुर चोल व आधारी भाग मूलांकुर चोल कहलाता है। बाकी बातें सेम है, प्रांकुर चोल में प्रांकुर बनेगा जिससे पादप का वायवीय भाग बनेगा, मूलांकुर चोल में मूलांकुर बनेगा जिससे पादप की जड़ें बनेगी। तो इसी के साथ आपका ये एक बीजपत्री में भ्रूण का परिवर्तन जो है वो भी समाप्त होता है। कुल मिलाकर के निषेचन पश्च घटनाओं में आपको चार घटनाएं पढ़नी है। भ्रूण पोष का निर्माण पढ़ चुके हो, भ्रूण का परिवर्तन याद समाप्त कर लिया, दो घटनाएं और बचती है। कल आप पढ़ोगे बीज का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण तो बन गया, भ्रूण से बीज कैसे बनेगा, इसको आप कल डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर, बीज बनने के बाद बीज का अंकुरण कैसे होगा और नया पादप कैसे बनेगा, इसको आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपका ये सेकंड चैप्टर भी यहां पर समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग और फायदेमंद रही होगी, अगर रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल हम देते हैं इस क्लास को विराम, बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।